घोड़ा तो है इसका कुछ नाम भी रखे है आपने yes. क्या नाम है हीरा. हीरा है? Yes. अच्छा ललित का यस yes. अच्छा घोड़ा का उपयोग स्कूल जाने के लिए आपका नाती करता है कैसा आप लोग समझते हैं, महसूस करते हैं? जी अब घोड़ा तो स्कूल भी दूर है चार पाँच किलोमीटर दूरी पे पड़ता है इसलिए हमने अब जाता है तो सवारी सीखा है तो जा कैसा लगता है आप लोगों को जब फर्स्ट बार उसको देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई महाराजा के बच्चे लोग जाती हैं स्कूल ऐसा अपने आप बहुत गर्व हुआ खुशी भी हुई है कि अपने एक समाज का बच्चा एक गरीब परिवार का जंगल के अंदर घर का रहने वाला देखो आज इतना उम्मीद के साथ में पढ़ाई, इस, करने, पढ़ाई करने के, के लिए स्कूल जा रहा है मतलब इसमें स्कूल इस शिक्षा के प्रति लगाव है ऐसा मुझे महसूस हुआ आपके यहाँ एक बच्चा घोड़े से आता है काफ़ी उत्सुक तो आप कैसा महसूस करते हैं आप काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि आज के इस टाइम पे एक बच्चा जो है घोड़े से स्कूल आ रहा है रेगुलर आ रहा है एक बहुत बड़ी बड़ी बात है और इतनी चुनौती चुनौतीपूर्ण एरिया से ट्राइबल एरिया है जहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है और जिस जगह वो रहता है वो एक जंगल में रहता है और वहाँ से पढ़ाई के लिए घोड़े से आना एक बहुत बड़ी शान की बात है तेज़ी से बदलती लाइफ स्टाइल में हर स्कूली छात्र स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल या फिर मोटरसाइकिल का प्रयोग करता है शहरों में तो आजकल कार से भी बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूली छात्र से मिलाएंगे जो आधुनिकता के इस बदलते परिवेश में आज भी प्राचीन ज़माने की सवारी यानी कि घोड़े की सवारी घुड़सवारी करते हुए स्कूल पहुंचता है और ये छात्र है ललित कुमार कोड़ोपे दरअसल बताया जाता है कि इसका गांव यहां से चार किलोमीटर की दूरी पर है और गांव से से स्कूल तक पहुंचने में पैदल आने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी जिसके चलते उसके माता पिता और नाना नानी ने उनके लिए ये जो घोड़ा आप देख रहे हैं स्कूल प्रांगण में यही घोड़ा उन्हें खरीद के दिया है तो ललित आपसे मैं चर्चा करूंगा मुझे ये बताइए ये कितने दिनों से आप घुड़सवारी करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं एक दो साल एक दो साल से अच्छा आ, क्या परेशानी क्या होती थी पहले स्कूल आने में आपको अब आप घोड़े से आते हैं कैसा लगता है आपको पैदल आता था आने का मन नहीं करता था घोड़े में आता हूँ तो लगातार आता बार छुट्टी मार नहीं तो आता रोज आते हो स्कूल कौन सी क्लास में हो आप छठी ये बताइए आपके परिवार में और कौन कौन है मामा मामी दादा दादी और मम्मी पापा किसने खरीद दिया था ये घोड़ा पापा ने क्या नाना नानी ने पापा ने पापा ने खरीद दिया था अच्छा मम्मी पापा क्या करते हैं है किसानी काम करते हैं खेती किसानी खेत है आप लोगों का नहीं अधिया वाला अधिया वाला तो आपका घर कहाँ पर है गांव में है जंगल में है जंगल।, जंगल में यस अच्छा ये बताइए तो ये घोड़ा आप मजबूरी में लाते हैं क्या आपके पास कोई साधन नहीं है साइकिल वगैरह साधन, साधन, साधन नहीं है साइकिल वाइकल नहीं है इसलिए स्कूल से, इस से साइकिल मिली क्या नहीं नहीं मिला अच्छा स्कूल से साइकिल नहीं मिली क्या बता रहे गुरुजी अभी क्या बताइए गुरु जी क्या बोल रहे हैं साइकिल मिलेगी नहीं मिलेगी मिलेगी बोल रहे अच्छा अच्छा आप कितने भाई बहन थे दो थे ढाबा के खत्म ढाबा बोले तो ये खेत की रखवाली वाला अच्छा कैसे क्या घटना हुई थी उस समय? उस समय समय कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन कैसे लगा पता ही नहीं अच्छा आप भी थे क्या उस समय वहाँ पर नहीं, नहीं थे शादी में चले गए थे मामा का महीने की साल की थी आपकी बहन जो घटना हुई दो तीन साल दो तीन साल एक साल की एक साल की थी लगभग. अच्छा ललित ये बताइए स्कूल में क्या क्या पढ़ लेते हो आप क्या क्या आता है आपको हिंदी भाषा भारती अंग्रेजी नहीं आता बस अंग्रेजी नहीं आता अंग्रेजी सिखाते नहीं क्या टीचर सिखाते हैं लेकिन कमजोर है यस तो आगे कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो आप ग्यारहवीं तक ग्यारहवीं तक उससे आगे क्यों नहीं उससे आगे की ख्वाहिश नहीं क्या है लेकिन उतना भी नहीं पढ़ पाऊंगा तो अभी घोड़े से कब तक स्कूल आओगे आप मैं अभी आठवीं तक क्या आऊंगा अच्छा आठवीं तक उसके बाद कहाँ पढ़ना चाहोगे कौन सा स्कूल पास पड़ेगा उसके बाद आपको बैहर भी रहूंगा तो बैहर भी पढ़ूंगा अच्छा बैहर यस तो ये ललित कुमार कोड़ोपे है इनकी कहानी हमें ज़िला परियोजना अधिकारी के माध्यम से सामने आई थी दरअसल इनके गांव में एक सर्वे को लेकर अधिकारियों का एक दल पहुंचा हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची तैयार की जा रही थी उसमें जब अधिकारी ने देखा कि एक बच्चा जो है सवारी करते हुए स्कूल आना जाना करता है तो उन्होंने ये खबर मीडिया को दी तो मीडिया के माध्यम से कुछ अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया लेकिन बीजेटी न्यूज़ को ऐसा लगा कि इस खबर पर ग्राउंड में जाकर वास्तविकता पता किया जाए साथ में उस बच्चे की परिजनों की वस्तु स्थिति के बारे में पता किया जाए तो यही हम समझने के लिए शासकीय माध्यमिक शाला खैरलांजी पहुँचे और खैरलांजी से हमने जो तथ्य जुटाए जो जानकारी जुटाई उसके अनुसार आज भी ललित कुमार कोड़ोपे घोड़े से स्कूल तो पहुंच रहे हैं यह उनकी मजबूरी है क्योंकि चार किलोमीटर दूर जंगल में गांव होने की वजह से उन्हें अक्सर पैदल आने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी जिसके चलते उनके माता पिता उनके अभिभावकों ने यह घोड़ा उन्हें ख़रीद कर दिया है और इसी घोड़े पर सवारी करते हुए वे बड़ी शान से बड़ी ठाट बाट के साथ में स्कूल तक पहुंचते हैं ललित कुमार कोड़ोपे जब घोड़े पर सवार होकर स्कूल के लिए निकलता है तो रास्ते में मिलने वाले लोगों के मन में बरबसी यह सवाल उठता होगा कि यह किसी अच्छे घर का लड़का है जो कि घोड़े पर स्कूल जाने के लिए निकलता है लेकिन हम आपको बता दें कि ललित कुमार कोड़ोपे की पारिवारिक स्थिति आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है माता पिता मजदूरी करते हैं और उनका ये जो घर आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरों में ये घर है घर के ऊपर कहीं पर कबेलू दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर पॉलीथीन ढकी हुई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब परिवार कितने गरीबी में जीवन यापन कर रहा है इसके बावजूद ललित जो है वो घोड़े से स्कूल जाता है क्योंकि उसके पीछे कारण एक ही है कि मजबूरी है उसकी क्योंकि यहाँ से जो जंगल का रास्ता है यहाँ से निकलकर उसे स्कूल तक जाने में अगर वो साइकिल से जाना चाहे तो काफ़ी समय भी लगता है दूसरी चीज़ साइकिल कई बार पंचर हो जाती है साइकिल वैसे भी है नहीं है तो वो कई बार परेशानी उठानी पड़ती है इस वजह से बारिश के दिनों में बचने के लिए और स्कूल में नियमित पढ़ाई करने की वजह से यह जो लड़का है उसके दादा नाना जी ने और उसके पिता ने जो है एक घोड़ा मंगाया है अब घोड़ा किस पर्पज़ से लाया वो तो उनके नाना जी से समझेंगे लेकिन यह जो घोड़ा लाया तो घोड़े की घुड़सवारी उसकी लगाम सीखा और फिर यह जो लड़का है यह धीरे धीरे घुड़सवारी सीखने के बाद पिछले छः महीने से लगातार जो है घोड़े पर सवार होकर ही अपने स्कूल जाता है और ऐसा नहीं कि यह स्कूल से बहुत छुट्टी छुट्टी मारता हो यह नियमित स्कूल पहुंचता है ऐसा इनके टीचरों ने बताया और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में यह जो है ललित कुमार कोरोपे का परिवार है जो कि इस समय गहानी का समय चल रहा है तो खलियान में मौजूद है और खलियान में गहानी चल रही है उनका पूरा परिवार जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं ललित कुमार के नाना जी पीछे में आप देख रहे हैं लाल वाला फेटा लगाए हुए है इनसे हम समझेंगे इनके नाना जी से कि ललित के लिए यह घोड़ा कितना किफ़ायती समझ में आ रहा है घोड़ा का उपयोग स्कूल जाने के लिए आपका नाती करता है कैसा आप लोग समझते हैं महसूस करते हैं जी अब घोड़ा तो स्कूल भी दूर है चार पाँच किलोमीटर दूरी पे पड़ता है इसलिए हमने अब जाता है तो सवारी सीखा है तो जा हम्म पेट्रोल का भी पैसा बच जाता है गाड़ी तो है नहीं आप लोगों के पास साइकिल साइकिल है हाँ, बाकी वही है कि ये अंचर पंचर कर देता है ना जी कई बार हम इसलिए घोड़े से आना जाना करता अच्छा, है अच्छा तो घोड़ा किस लिए खरीदते आप लोगों ने घोड़ा तो एक राजा महाराजा भी कई लखपति आदमी भी नहीं चलता वैसे शौक से भी खरीदा गया है उसको जो है अच्छा जी हम तो खेती पढ़ाना उद्देश्य है क्या नहीं पढ़ाओगे क्या नहीं इसको पढ़ाएंगे जी अच्छा अभी हाँ। डांटते हो क्या नहीं इसको रोज स्कूल जाता है क्या रोज जाता है सर रोज जाता है जी और घोड़े से ही आना जाना करता हाँ। है तो और खेती किसानी कितनी है आप लोगों की खेती किसानी तो डेढ़ खंड, दो खंडी के हुई अच्छा, दो खंडी की है बाकी सरकारी योजनाओं का लाभ आपका मकान नहीं बना है प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं जी वो तो जल गया था इसके बाद भी हमने रिपोर्ट रिपोर्ट सारी चीज लगाया है एक लाख का बैलेंस बना बनाए थे बाकी पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ कब हुआ कितना हुआ का मालूम क्या था अच्छा मकान जल गया जल था गया, था? गया था जी वो जल छुआ है उसमें झिल्ली तो जी और आधार कार्ड वगैरह है राशन मिलता है राशन तो मिलता है सर अच्छा राशन मिलता है और गैस सिलेंडर मिला है क्या नहीं सरकार नहीं सर, का नहीं क्यों सर, नहीं, सर, नहीं, नहीं मिला नहीं। क्या मालूम सर आपका ऐसे नहीं मिला तो क्या नाम आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम इलाखंड टेकाम खैरला सुरवाही तो ये ललित कुमार कोड़ोपे के नाना जी है इलाखंड टेकाम और इनका घर जो है घने जंगल के बीच में है इस वक्त हम खलियान में हैं और खलियान में चूंकि इनकी दो खंडी की जमीन है तो धान की जो है कटाई करने के बाद में उसकी गहानी कर रहे हैं तो वो समेट रहे हैं दरअसल ये लोग अगर इनकी हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है ये लोग इसके बावजूद इन्होंने राजा महाराजाओं की सवारी होने के कारण घोड़ा खरीदा और अब घोड़े का उपयोग वो अपने नाती को स्कूल आने जाने के लिए करवाते हैं इनके घर के ऊपर में अभी भी छत नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्हें लाभ नहीं मिला है अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तो उसके तहत में गैस सिलेंडर का कनेक्शन भी इन परिवारों को नहीं मिला है तो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो परिवार होते हैं या और भी गरीब तबके के जो परिवार होते हैं उनके साथ ऐसी स्थिति अक्सर कमो हमें दिखाई देती है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना होती है उसका क्रियान्वयन गांव के सुदूर गांव में जो रहने वाले नागरिक है उन तक नहीं पहुंच पाता है उसकी वानगी भी हमें ललित कुमार कोड़ापे पे घर तक पहुंचने के बाद में दिखाई दी उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन जो है सरकारी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हर व्यक्ति तक हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचाए जिससे कि ऐसे परिवार जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत लाभ मिल पाए बी न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ शुरुआही के ग्राम खैरलांजी से यमलेश वंजारी